संभल के प्यार जो करना तो करना, जरा संभल के। आई थिंक आपको कोई गलत फहमी हुई है, मैं उनसे मामा की बात कर रहा हूँ जो यहाँ पर रहती हैं, जिनका घर है। नहीं, वो यहाँ ट्यूशन पढ़ाती है और काफी अरसे से आ नहीं रही है। इतना बड़ा फ्रॉड किया ना तुम लोगों ने मेरे साथ, छोड़ूंगा। हम गरीब लोग हैं, लालच में आ गए थे, माफ कर दो हमें। माफ कर दो। इस काबिल रहोगी ना तो जाके किसी को बताओगी। एक तो तुमने झूठ बोल के उमर से शादी की, हमारा सारा प्लान खराब कर दिया, हमारे हाथ से एक मोटा ताजा शिकार तुम्हारी वजह से निकल गया। आप छोड़ दें, मुझे पता है इससे कैसे डील करना। छोड़ो मुझे। अभी तो इससे एक एक पाई का हिसाब भी लेना है कि इसका इलाज क्या करना। छोड़ो मुझे। चला। All the best, bro. हमारी ही बिल्ली हम ही को म्याऊं। क्या रिश्ता है आपका पेशेंट से? डॉक्टर साहब, इफ्रा हमारी छोटी बहन है और ये हमारी मिसेस। इनकी ऐसी हालत पहले कभी हुई है? नहीं नहीं डॉक्टर साहिबा, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, बस अचानक ही हुई है इसकी ऐसी तबीयत। लगता है कि इन्हें कोई शदीद सदमा है या किसी जहनी खौफ का शिकार है ये, तो आप परेशान ना हो, इसके लिए हमने एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लिख दी हैं, वो बाकायदगी से इस्तेमाल करें तो उम्मीद है इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब तो कुछ और ही बता के गई, आपने बिला वजह राय का पहाड़ बना लिया। हमारी बहन ऐसी नहीं है। अरे फुरकान, समझने की कोशिश करें, बहुत अच्छा हुआ कि चेकअप हो गया, तसल्ली हो गई, हमें पता चल गया कि हुआ क्या है, वरना आप तो जानते हैं चेकअप का कुछ और नतीजा भी निकल सकता था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा वो घर आशिर को मिल कैसे गया, हमारा घर था वो। यकीन जानो माई, जब आशिर ने उस घर के सामने गाड़ी रोकी तो मेरा कलेजा फट गया। मुझे ऐसे लगा जैसे मेरी सांस रुक गई हो। वो घर आशिर का कैसे हो सकता है? वो घर जो हमारा था, किस शान से उस घर में हम रहते थे, आज वो घर किसी और का है। मैं जीते जी मर गई माई, जीते जी मर गई। खाला और आशिर को वो घर क्यों? मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, उस घर पे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। सब मुकद्दर के खेल, किस्मत से कौन लड़ सकता है? तकदीर ने तो मेरी पूरी जिंदगी पर काली स्याही फेर दी है और आशा उसकी जिंदगी में उजाला भर दिया है। मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, ये बहुत नाइंसाफी हुई है मेरे साथ, मेरे सारे ख्वाब रेजा रेजा हो गए। ना इंसाफी तो ऊपर वाले ने की है। देखो कौन आया। आ रही हूं। कैसी हो? ठीक। सलाम अलैकुम खाला। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा, जीते रहो। खाला मुंह मीठा करें। इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? हम लोग नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, मैं अपनी खुशी आपके साथ बांटना चाहता था। खाला आप रो क्यों रही हैं? अल्लाह ने वो घर आपसे छीना नहीं है, हम उस घर में शिफ्ट हो रहे हैं ना, हमारे साथ आप भी वहीं रहेंगे। नहीं बेटा, रो नहीं रही हूँ,
ये तो खुशी के आंसू हैं। उस घर में मैं रहूं या तुम लोग, क्या फर्क पड़ता है? तुम में और मुझ में कोई फर्क थोड़ी है, तुम मेरे बेटे जैसे। आलिया बाजी मेरी बड़ी बहन है। भागकर मैं क्यों रोऊंगी, खुशी के आंसू हैं। अल्लाह मियां तुम लोगों को वो घर रहना नसीब करे, मैं और महानूर यहाँ रह लेंगे, कोई बात नहीं, अल्लाह की यही मर्जी थी। लेकिन खाला अगर आप और महानूर हमारे साथ मारेंगे तो हमारी खुशी दुगनी हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो बेटा, मैं और महानूर उस घर में आते जाते रहेंगे। लेकिन बेटा ये घर तो तुम्हें कंपनी की तरफ से मिला है ना, कंपनी का जब दिल चाहेगा घर से निकाल बाहर करेगी। तुम अपना घर क्यों नहीं खरीदते जिस घर से तुम्हें कोई ना निकाल सके? नहीं नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली मैं ये घर अपनी कंपनी से इंस्टॉलमेंट पे ले रहा हूँ। मेरी एमडी साहब से बात भी हो गई और अप्रूवल भी आ गया है, बस आप यही समझे कि ये घर अब मेरा है। अच्छा ठीक है, अल्लाह करे ऐसा ही। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। आप बैठे यही हो, मैं चाय बनाती हूँ। तुम दोनों बैठकर बातें करो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ और फिर इकट्ठे बैठकर मिठाई खाएंगे। बस आंटी क्या बताऊं, गुजर रही है, शुक्र है अल्लाह का। नहीं नहीं आंटी, मेरे मियाँ बहुत अच्छे हैं, लेकिन बस जो मेरी नंद है ना, वो मेरे गले की हड्डी बनकर रह गई है। समझ नहीं आती क्या कहूँ, अब आपको भी इल्जाम नहीं दे सकती, आखिर मेरा रिश्ता इस घर में आप ही ने करवाया है। अपनी अपनी किस्मत की बात है। मेरे सास ससुर के गुजर जाने के बाद वो अपनी निशानी हमारे लिए छोड़ गए। अरे आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। क्यों नहीं आप जरूर रिश्ता देखें, लेकिन मेरी एक शर्त है, लड़का और उसका खानदान इस शहर या इस मुल्क से बाहर होना चाहिए, ताकि ये इफ्रा हमेशा हमेशा के लिए हमारी जिंदगी से दफान हो जाए। हाँ देखा तो था आपने, शक्ल और सूरत से तो बस मामूली सी है। मेरे साथ शादी में आई थी ना, भूल गई आप? जी जी वो ही, आपने सही पहचाना। बस ठीक है आंटी, आप कोई रिश्ता देख लीजिए फिर मुझे बता दें, मैं इंतजार करूंगी आपके फोन। ओके अल्लाह हाफिज, लेकिन सब कुछ मेरी शराइत के मुताबिक होना चाहिए। ठीक है अल्लाह हाफिज। ये सही रहेगा, शहर या मुल्क से बाहर हो जाए ना तो बात बन जाए, इसमें मुझसे जान छुटे। खुदा का वास्ता है तुम्हें मुझे यहाँ से जाने दो, मेरी माँ वो दूसरे शहर में मेरा इंतजार कर रही हो, मुझे जाने दो भाई, मुझे जाने। पर ये इंतजार तो अब सारी उम्र के लिए उसका मुकद्दर बनने ही वाला है। तुम क्या समझते हो मुझे इस तरह बेबस करके तुम बच जाओगे? मैंने अपनी माँ को तुम सबके नंबर दे दिए, अगर आज रात तक मैं वहां नहीं पहुंचना तो मेरी माँ जाके पुलिस को सब बता देगी। तुम्हारी माँ ये शौक भी पूरा करे, सुबह होगी नंबर्स चेंज, एक डी है। देखा मैंने कहा था ना, ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसका कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा हमें। मैं कसम खाती हूँ मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, आप लोगों का नाम तक नहीं लूंगी, किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, कोई कार्रवाई नहीं करूंगी, बस मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे यहाँ से। और जो पैसे मैंने तुमसे लिए ना, मैं तुम्हें वो भी वापस कर दूंगी, तुम बस मुझे यहाँ से जाने दो। अच्छा और वो कैसे करोगी तुम? तुम मुझे मेरे घर जाने दो, अगर तुम भी मेरे साथ चलो, तुम अपने पैसे ले लेना और मुझे मेरे घर छोड़ दो।
वेरी स्मार्ट, ताकि वहां मैं पहुंचूं और पुलिस मेरा वेलकम करे। इम्प्रेसिव, शक्ल से मैं इतना बेवकूफ नजर आता हूँ तो। उमर, ये हमारे यहाँ से जाने के बाद बहुत शोर करेगी, तुम इसके मुंह में पपड़ा ठूस। क्या बात कर रही हो, शोर वेरी गुड, नहीं करेगी शोर, और शोर कर भी लिया तो इसकी सुनेगा कौन? लेट्स गो। उमर नहीं, उमर फोन क्यों बंद आ रहा है? पता नहीं क्यों मेरा दिल भी इतना घबरा रहा है। सुम्मी कहाँ हो? उमर, आखिर इस लड़की का करना क्या है? मैं तंग आ गई हूँ, बैठे बैठे किस मुश्किल में डाल दिया है तुम्हें। बहुत ही खतरनाक और तेज लड़की है ये। काश इसके बारे में हमें पहले मालूम हो जाता ना, तो हम इसे अपने साथ मिला लेते। ये हमारे काम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब तो नहीं है ना ये ऑप्शन, फिर इस बारे में बात करने का फायदा। लेकिन जब तक ये मेरा नुकसान नहीं पूरा करती, इसे जाने तो नहीं दूंगा। ऐसा करना हमारे लिए बहुत खतरनाक है। वो बहुत तेज और होशियार लड़की है, हमारे लिए खतरनाक साबित होगी। होगी जरूर, लेकिन इस नागिन का जहर मैं इस तरह से निकालूंगा कि उसे तड़पने का मौका भी नहीं। तुम किसी खुशफहमी में मत रहना, मैंने भी एक दुनिया देखी। ये बहुत ही खतरनाक और नडर लड़की है, कहीं आगे जाके हमें किसी मुश्किल में ना डाल दे। कहा ना, इससे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। अब तुम कहां जा रहे हो? आप लोगों की और अपनी सेफ्टी के लिए कुछ इंतजाम कर वो करना चाह रहा हूं। रात में देर हो जाएगी, चलता हूं। समामा, मेरी बेटी समामा, क्या करूं, कैसे तलाश करूं? उसका फोन भी बंद आ रहा है। इस वक्त तो उसे मेरे पास होना चाहिए था। पता नहीं उन जालिमों ने क्या किया होगा उसके साथ। खाला, ऐसे हाथ पे हाथ रख के कब तक रोती रहोगी? कुछ कर क्यों नहीं रही हो? पता भी है समामा इस वक्त कितने खतरे में। तो क्या करूं, बेवा मोहताज औरत हूं। अल्लाह अल्लाह करके बेटी का बोझ सर से उतारा था। उन्होंने कहा जहेज नहीं चाहिए, 3 कपड़ों में बेटी दे दो। खाला, तुम्हारी भी तो गलती है ना, यूं पराए लोगों पर एतबार करके लड़की को इतनी दूर शहर भेज दिया। और तुम्हें तो उनके ससुराल वालों के घर का रास्ता भी नहीं मालूम, अब क्या करोगी? मेरे बुरे नसीब, मेरे बेटी को भी खा गए। पता नहीं उसके साथ क्या किया होगा उन्होंने। वो जिंदा भी है कि नहीं है? कहा भी था कि जल्दी निकला वहां से, अब क्या करूं, कहां तलाश करूं उसे? खाला, पुलिस में क्यों नहीं जाती? उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाओ। मेरे मामू का बेटा है पुलिस में, मैं उसको फोन करके सब कुछ सच सच बता देती हूँ। मेरी सम्मी मिल तो जाएगी ना बेटा? हाँ खाला, मिल जाएगी, आप फिक्र नहीं करें। इफ्रा, अब भी वक्त है, बता दो मुझे अपने आशिक के बारे में, बल्कि कहो उससे रिश्ता लेकर आए हमारे घर, हम फौरन तुम्हारी शादी उससे कर देंगे, और फुरकान को भी इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। भाभी, आप हमारी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रही? हमारा कोई आशिक नहीं है, और ना ही हम किरदार की ऐसी लड़की हैं। खुदा के लिए भाभी, हमें अपने नजरों में इतना मत गिराइए कि फिर कभी हम उठ ना सके। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो ये चाह रही थी कि तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से तुम्हारे आशिक के साथ हो, लेकिन ठीक है, शायद वो तुम्हें छोड़कर कहीं भाग गया। कुछ भी हो, चलो मैं फुरकान से कहती हूँ, आखिर अब इस बला को सर से तो उतारना ही है।
मामा, खाला रो तो मत, ये पानी पियो। हम तुम्हारे साथ हैं। अहमद के अबू गए हुए हैं असगर को लेने के लिए, वो आ जाएं तो तुम्हें थाने ले जाएंगे। और असगर को बता देना आप जो कुछ भी है। क्या बताऊं, मेरे में हिम्मत नहीं है कुछ बताने की। मेरी लालच की वजह से मेरी बच्ची, मेरी समा, मेरी वजह से घूम के जंगल में बस गई। नहीं है हिम्मत मुझ में कुछ बताने की। हाला पुलिस वालों को तो सब कुछ सच सच बताना ही होगा ना। और देख लेना असगर किस तरीके से सम्मी को उसके ससुराल वालों से छुड़ा के लेकर आ जाएगा। जैसे जैसे टाइम गुजर, मेरा दिल बैठे जा रहा है। मेरी बेटी पता नहीं किस हाल में होगी। मेरी बेटी को कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। मेरी जमावा, मेरी अक्ल पर पत्थर पड़ गए थे जो मैंने अपनी बेटी को पाल दिया वहां पे। आए मेरे ऊपर वाले ने मेरे मुकद्दर किस काले कोले से लिख दिए। कहा है मेरी जमावा, जमामा मेरी बच्ची, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी। मेरी अकलौती बच्ची, जमामा मेरी बच्ची। ओए जमामा। मैंने तो जाने से पहले उमर से कहा भी था कि जाते वक्त उसका कोई बंदोबस्त कर दे। ये लड़की तो हमें जेल पहुंचा के ही रही, तंग आ गई हूँ मैं इससे। तुम जाओ जाके इसे चुप कराओ। मॉम अगर मैं चली गई ना तो कुछ का कुछ हो जाएगा। बेहतर है कि आप जाके उसे सही से समझो। एक तो अपने घर में टीवी भी सही से देखो। अच्छा बाबा मैं ही चली जाती हूँ। निकालो मुझे इस जहन्नुम से बाहर, निकालो। आंटी मैं आपके पास के पांव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। मुझे यहाँ से निकालो। बस बंद करो वरना तुम्हारा गला घोर दूँगा। कैसे आ रहा था रहम नहीं आता तुम्हें? अपने जैसी औरत पे इतना जुल्म कर रहे हो, प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं बताऊँ मैं कैसे कर रहा हूँ? खामोश। आवाज नहीं आए तुम्हारी बाहर वरना मैं तुम्हारा वो आशा करूंगी कि तुम याद रखोगी, समझी तुम? निकालो मुझे यहाँ से, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। ये वही औरत है जो उस दिन ज्वेलर्स पे मेरा नेकलेस बेचने के लिए आई थी। मैं पूरे यकीन से कह सकती हूँ कि ये वही औरत है।